मुंगेर परिवहन विभाग के द्वारा सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और इस दौरान परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कई प्रकार के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि होने वाले दुर्घटना से लोग बच सके। इसी अभियान के तहत परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से गांधीगिरी करते हुए बिना हेलमेट पहने ट्रिपल लोडिंग बाइक सवारों से फाइन न लेकर उसे गुलाब का फूल दिया जा रहा है और आग्रह किया जा रहा है कि उसकी जिंदगी काफी अनमोल है, अपनी जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ न करे और ट्रैफिक रूल का पालन कर बाइक चलाए। बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहने, ट्रिपल लोडिंग न चले, सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक रूल का पालन करे और अपने घर सुरक्षित पहुंचे। अभियान के दौरान करीब एक दर्जन बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को गुलाब फूल देकर हेलमेट लगाकर चलने की अपील की गई। अपर परिवहन पदाधिकारी साक्षी प्रिय ने बताया कि सुरक्षा माह चल रहा है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने को लेकर इस तरह का अभियान किया जा रहा है, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके। उसी को लेकर आज गांधीगिरी की गई और बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने की अपील की गई। पंद्रह जनवरी से 14 फरवरी तक, और इसमें हम आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो किया जा रहा है, उसी का एक अभियान आज हम लोग कर रहे हैं, रोको टोको अभियान। इसमें हम फाइन नहीं कर रहे हैं, जो भी गाड़ी से आ रहे हैं उनको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, और ट्रिपल लोडिंग कर रहे हैं, चार चार लोडिंग कर रहे हैं वो सब नहीं करें, क्योंकि इंसान की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इस तरीके से हम उन्हें गुलाब का फूल देकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, और बस यही अभी हमारा है जागरूक करने का मंच, जो हम अपने पूरी टीम के साथ, हमारी पूरी टीम है और उस टीम के साथ हम लोगों को जागरूक करने की। कब से कब तक होना है ये? एक पूरा एक महीने का हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, इसको हम सड़क सुरक्षा माह 2024 के नाम से ये चल रहा है। ये 15 जनवरी से 14 फरवरी तक क्या क्या कार्यक्रम होना है? क्या क्या होना है इसमें? जैसे कि हम लोग सबसे पहले हम लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं कि हम सभी लोग शपथ लेंगे कि हम रोड पे जो है गाड़ी सही से चलाएंगे, ठीक है, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। एक एक छोटे से स्कूटी पे चार चार लोग गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये रोको टोको अभियान चला रहे हैं, जो हम परिवहन की पूरी टीम है, हम लोग ट्रैफिक की भी पूरी टीम के साथ सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है गाड़ी की जाँच करेंगे कि कोई भी गाड़ी जो चल रही है उसके पास सही से नंबर प्लेट है या नहीं है, गलत नंबर प्लेट तो नहीं चला रही है। उसके बाद फिर हम लोग जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे सभी ड्राइवर्स के साथ, ठीक है, कि वो सही से गाड़ी चलाना सीख जाएं, कोई नौसिखिया तो नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग उनका नेत्र जांच करेंगे, जो भी ड्राइवर्स हैं उनका नेत्र जांच करेंगे। फिर हम लोग स्कूल की टीम्स के साथ स्कूल में जाकर वहाँ पे बच्चों को जागरूक करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग उनसे भी शपथ ग्रहण कराएंगे। उसके साथ हम लोग क्विज कॉम्पिटिशन कराएंगे, जो स्कूल के बच्चों को एक्चुअल में पता चले कि सड़क सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे माह में इस तरीके की हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे, और उस एक्टिविटीज़ के तहत हमारा एक ही मोटो है कि सड़क सुरक्षा प्राथमिकता हो, हर नागरिक जो है उसको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी, आप अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम साक्षी प्रिया है और मैं मुंगेर की अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।